ये है जूता रावण का 40 फीट का मेन जो इसका ढांचा है भाई पूरा लोहे का। मैं चढ़ गया भाई रावण के चेस्ट के ऊपर, गुस्सा न करना भाई रावण। और ये भाई रावण का पेट है, ये देखो ऊपर चढ़ गया हूँ मैं पूरा। हाँ तो गाइस ये जो रावण है ना यार 171 फीट का है। ये है रावण का फेस और यहाँ मैं खड़ा हूँ रावण की गर्दन पे। कितने पैसे लग गए इसमें पूरे? इसमें भाई अभी तक 40 लाख रुपए लग गए। 40 लाख रुपए 11 तारीख को भाई पूरा ये तैयार हो जाएगा और 19 तारीख को खड़ा हो जाएगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। सो गाइस पहले तो ये देख लो, देख के पता लग गया होगा भाई दशहरा आने वाला, तो भाई तैयारियां चल रही है, रावण बन रहे हैं। सो अभी मैं आया हूँ पचकुल्ला सेक्टर 5 शालीमार के आगे भाई, दशहरा ग्राउंड है पचकुल्ला में। तो यहाँ पे बन रहा है बहुत बड़ा रावण। सो गाइस ये देखो कितना बड़ा रावण बना है भाई, कितने फीट का है? 171 फीट। सो गाइस ये जो रावण है ना भाई 171 फीट का है ये। ये देखो क्या सीन है, पूरा लोहा है ठीक है, देखो लोहा ही लोहा। ये देखो काफ़ी बड़ा है यार, ये देखो। और यहाँ पे आ गया हाथ, देखो हाथ कितना बड़ा है यार। अभी यहाँ पे आ गया मैं गर्दन की तरफ, ये देखो गर्दन। और भाई ये इसका सर है, अभी लेटा हुआ है और देखो मैं इसके कान के नीचे आ रहा हूँ। ये आ गया भाई मुकुट के ऊपर वाला हिस्सा, ये मुकुट रावण का, ये पूरा बाँस से बनाया हुआ है मुकुट और नीचे से पूरा लोहा है। ये देखो और ये है मुंह, पर इसके नीचे से निकल सकता हूँ मैं ऐसे ऐसे। ये देखो रावण का कंधा, इसके नीचे भाई आराम से बंदे सो जाएंगे, इतना स्पेस है इसके अंदर। ये देखो ये देखो भाई इतना स्पेस है ना यार, इसमें बंदे का घर बन जाएगा। जूता यार मेरे से बड़ा है, तो 171 फीट का रावण है और जूता भाई इतना बड़ा है, देख लो ये हाथ वगैरह है, तलवार तलवार जो भी होगा रावण का सारा यहाँ पे बन रहा है। ये कब तक तैयार हो जाएगा पूरा? ये 19 तारीख तक हो जाएगा सर, खड़ा खड़ा हो जाएगा 19 तारीख तक। कपड़े कपड़े पहना के इनको खड़ा करा जाएगा, बरूद लगा के। अच्छा ये मशीन से खड़ी होगी ना? ये मशीन से होगी जी। कितने पैसे लग गए इसमें पूरे? इसमें भाई अभी तक 40 लाख रुपए लग गए। 40 लाख रुपए, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। रिमोट सिस्टम से चलेगा, एक एक बटन से एक एक पार्ट होगा। 3600 शुरू होगा सर। 3600 शुरू होगा। और सर ये बताओ इसके जूते कितने फीट के हैं? जूते सर कम से कम होंगे 40 फीट। 40 फीट के जूते हैं भाई, बताओ यार। नहीं यार ये तो छोटा दिख रहा है, 40 फीट का कैसे? 40 फीट है सर, 32 फुट की तलवार है। अच्छा 32 फुट की तलवार है। जब खड़ा होगा हवा चलेगी या बारिश होगा, ना कोई कलर फेड होगा, कुछ नहीं होगा, पेंट पूरा लोहा है यार, ये कहाँ हिलेगा इसको? तो पूरा वहाँ तक मिट्टी में डालेंगे अंदर, बारिश में एक अंदर से भी सूखा मिलेगा ये। इसका कोई खतरा नहीं है। आप लगाओगे खुद का बना के बनाओगे ना? वगैरह जो बन रहे हैं उससे भी कोई प्रदूषण नहीं फैले। अच्छा अच्छा नॉन पोल्यूशन वाला है ये, सही है। उसका धमाका होएगा जरूर लेकिन प्रदूषण कुछ प्रदूषण ना हो, ये अच्छी बात है। बम कितने तक के लग रहे हैं इसमें? बम तो अभी भाई देखो कम से कम कोई गिनती नहीं है, अभी तो बम आ रहे हैं, आधा प्रूफ बम आया इसका। कितने रुपए का? बहुत सारा फैक्ट्री का है, ऐसा नहीं है लोकल है। कितने तक का आ गया होगा? अभी तो कम से कम 80-90 लाख का आ गया होगा। कैसा लगा मेरा मजाक? एक एक बम शॉट होगा सर उसमें, रिमोट सिस्टम। 11 तारीख को आ जाना, 11 तारीख से इसका काम स्टार्ट है। अच्छा कपड़े कपड़े पहना देंगे, खड़ा हो जाएगा 19 को खड़ा हो जाएगा, 11 से स्टार्ट हो जाएगा पूरा। हाँ तो गाइस ये जो रावण है ना यार 171 फीट का है और उसके जूते का साइज है 40 फीट। इस बार का दशहरा पचकुल्ला में देखेंगे। सबको पता है कि जो पचकुल्ला सेक्टर 5 में जो रावण बनता है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं बनता, और यही बनाते हैं जहाँ भी बनाते हैं। फेस फाइबर का? हाँ फेस तो फाइबर का है। ये देखो ये पास से देख लो, ये है जूता रावण का 40 फीट का, 171 फीट का रावण, जो कि भाई पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा रावण है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रावण। ये कह रहे कि बिना पॉल्यूशन के भाई ये जलेगा, इस फेस को जलाते समय भी पोल्यूशन नहीं होगा ठीक है, जो धुआं निकलेगा उससे पोल्यूशन नहीं होगा। जो कि 11 को भाई सजावट शुरू हो जाएगी, 19 को खड़ा हो जाएगा ये। जलाने से पहले जिसको रावण देखना आ जाना यहाँ पे, नीचे से दिखा दिया रावण मैंने, ऊपर भाई मैं जा नहीं सकता था, तो इन भैया ने बताया कि ऊपर से भी बना सकते हैं वीडियो, ये बताएंगे कहाँ से चढ़ना है, और कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि भाई पूरा लोहा है इसमें, बाँस का तो है नहीं, सिर्फ मेन जो इसका ढांचा है भाई पूरा लोहे का है। ये देखो हाँ तो गाइस मैं चढ़ गया भाई रावण के चेस्ट के ऊपर, गुस्सा न करना भाई रावण, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा ठीक है। ये चढ़ गया मैं रावण के ऊपर और ये भाई रावण का पेट है,
अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें रावण का फेस, रावण गुस्सा ना हो जाए। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। ये देखो भाई, गुस्सा था भाई। ये है रावण का फेस, देखिए ऊपर से कैसा दिख रहा है भैया। गर्दन पे पहुंच गया रावण की, स्लिप हो जाएगा ना ये। आराम से बैठ, ये देखो क्या दिख रहा है रावण। यहाँ से बैठ के चलते धीरे धीरे। सो गाइस आ गए गर्दन के पास, फेस पे भी चले गए। यहीं से ठीक है, फेस तो दिख रहा है। ये देखो ये है रावण का फेस। राम राम से उतरना होगा, कहीं भी सेल फुसल ले है, बहुत मजबूर यार। पहली बार रावण के ऊपर चढ़ा हूँ मैं, और यहाँ से मैं कूद रहा हूँ। ये भाई साहब हो गया, रावण के ऊपर से भी दिखा दिया यार। चलो देख लेना आप भी गाइस, ठीक है। तो भैया आपका नाम क्या है? कुलवंत सर। कुलवंत, तो थैंक यू भैया आपने इतना बताया हमें, रावण के बारे में डिटेल दिया सर। क्योंकि भाई ये आराम करने का टाइम था, सब सो रहे हैं। ये भैया ने उठ के भाई पूरा समझाया भाई कितने फीट का है क्या है, ठीक है। सो गाइस देख लिया रावण, अब चलते हैं यार, भूख लगी है, कहीं चल के यार खाते हैं पहले खाना। ग्राउंड इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। सो चलते हैं, इन भैया ने बताया कि 11 तारीख को इस पर काम शुरू हो जाएगा सजावट का, ठीक है। फेस वूस जो कलर करते हैं जो भी लगाना होगा, 11 को तलवार तलवार सब लगा देंगे, और 19 तारीख को खड़ा हो जाएगा, 19 अक्टूबर को। हाँ तो गाइस अभी आए हैं, कहाँ है भाई? पन्ना पन्ना स्वीट मनी मार्केट पे खाने के लिए कुछ खा के देखना, यहाँ का राशन पाड़ के देखना। ये भाई कह रहे हैं कि बहुत फेमस है छोले भटूरे, छोले भटूरे खाते हैं। उसके बाद आपको लस्सी भी लाएंगे, फिर कचौड़ी भी लाएंगे, दही बल्ले। पंखा ऊपर लगा है पर भाई हवा नहीं दे रहा बिल्कुल भी। एसी लगी है पर चलेगी, एसी नहीं है भाई। देखो चलो भाई पहले ऑर्डर दे देते हैं। तो आ गया अपना भाई ये छोला भटूरा, ये देखो ये देखो। तो मित्रों ये आ गया भाई लस्सी भटूरे, इतने बड़े ना भाई कि पेट भर जाएगा दो खाते ही। हाँ तो गाइस खा के आ गया भाई पन्ना से, पन्ना डेयरी बेकरी, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा छोले भटूरे, दो भटूरे में पेट फुल हो गया भाई। अब भाई खाने का नाम सुनकर गुस्सा आ रहा है, पन्ना पिएंगे, फिर हम दही बल्ले खाएंगे। यहाँ की लस्सी पी हमने भाई, लस्सी बहुत अच्छी थी यार। छोले तो मुझे खाएंगे ना ना। अब तो चलते हैं घर की तरफ अभी। 2000 years later. हाँ तो मित्रों वहाँ से आने के बाद मैं सो गया था, तो बस यही था आज का ब्लॉग, करता हूँ ब्लॉग का एंड, मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए भाई लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पर